हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमीज रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, सोया चंक्स की एक बहुत ही अच्छी रेसिपी। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और एक बार घर पे बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्च, अदरक और जीरा का पेस्ट बना लिया है। हम दो प्याज और कुछ लहसुन की कलियां को पीस लेंगे अच्छी तरह से। और देखिए, यहाँ पे हमने ये कटा हुआ आलू ले लिया है। यहाँ पे गैस ऑन करके एक पतीला चढ़ा देंगे, उसमें थोड़ी सी पानी डाल के पानी में उबाल आने देंगे। देखिए, पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें सोया चंक्स डाल देंगे, सारे सोया चंक्स डाल देंगे और गैस ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद इसमें हम एक टेबलस्पून चम्मच की नमक डालेंगे और उसको नमक को अच्छी तरह से मिलाकर पानी में सोया चंक्स को भिगोकर इसको पानी में 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढककर। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर देखिए, सोया चंक्स हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको नॉर्मल ठंडा पानी से 3 से 4 बार वॉश करके इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, ताकि ये एकदम भी पानी ना रहे, इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब गैस को ऑन करके नॉनस्टिक की तवा ले लिया है हमने, और उस पर थोड़ी सी कुकिंग ऑयल डालेंगे और कटा हुआ आलू डाल देंगे। आलू को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। देखिए, इसके कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें सोया चंक्स डाल देंगे, सोया चंक्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए, अगर फ्राई नहीं करेंगे तो चंक्स का स्वाद अच्छा नहीं आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि गल जाता है, इसलिए इस स्टेज पर हम थोड़ी सी हल्दी मिला देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, इससे खाने में स्वाद बहुत अच्छा आएगा। देखिए, पलट पलट कर इसका कलर चेंज होने तक हम इसको थोड़ी देर के लिए करीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए, सोयाबीन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको एक पतीले में निकाल लेंगे या फिर प्लेट में निकाल लेंगे अच्छी तरह से। देखिए, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब उसी पैन में हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, आपका जो भी मन करे, मस्टर्ड ऑयल या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाकर रखा था वो डाल देंगे, और फिर हरी मिर्च और अदरक जीरा का जो पेस्ट हमने बनाकर रखा था वो भी डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच पाउडर मिर्च या फिर लाल मिर्च का पाउडर मिला लेंगे अच्छी तरह से, और 2 चम्मच के करीबन हल्दी भी मिला लेंगे इसमें अच्छी तरह से। देखिए, अब हम इसमें 1 चम्मच के करीबन नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से 2 चम्मच नमक डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। थोड़ी देर मसालों के भूनने के बाद मसाला का जो पानी था एक्स्ट्रा, वो हम मसाले में मिला लेंगे और इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक मसाले से तेल ना निकल आए। देखिए, मसाले ने हमारा तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें जो फ्राई किया हुआ सोया चंक्स और आलू था ना, वो हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, इस तरह से पलट पलट कर बीच बीच में मिला लेंगे। मसाले हमारा भून चुका है, अब हम इसमें पानी डाल के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ढककर। थोड़ी देर बाद, 4 से 5 मिनट बाद, हम एक बार ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे कि आलू सॉफ्ट हो चुका है कि नहीं। आलू थोड़ा सा हार्ड था, इसलिए हमने दोबारा ढककर 4 से 5 मिनट के लिए इसको कुक कर लिया। अब हमारा आलू भी सॉफ्ट हो चुका है और रेसिपी भी तैयार है।
अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर इसको ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। फिर हम चलते चलेंगे सर्विंग की तरफ। अब हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये राइस रोटी के साथ बहुत अच्छी तरह से जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।